एक हफ्ते पहले एक जोकर ने कहा था कि अगर एक ओवर में 10 रन बचाने हो तो मैं जसप्रीत बुमराह को नहीं नसीम शाह को बॉलिंग दूंगा। भाई वाह, बहुत बढ़िया। आज नसीम शाह ने साबित कर दिया कि क्यों वो बिल्कुल उस जोकर के भरोसे पे खड़े उतरे हैं। 3 ओवर में 44 रन दिए, किसके अगेंस्ट? स्कूल बॉय टीम ऑफ न्यूजीलैंड। लेकिन इसके पहले शुरुआत करते हैं हमारे ग्रीडी कैप्टन, पाकिस्तान के वो कैप्टन जिनके बारे में मैं कई बार कह चुका हूँ कि ये अपने अलावा कुछ नहीं सोचते। इन्होंने कैप्टन बनते ही सबसे पहले रिजवान को कैप ओपनिंग से हटाया और खुद ओपनिंग करने आए, और फिर से वही 125 की स्ट्राइक रेट से 37 की इनिंग्स खेली एक फ्लैट रावलपिंडी की पिच पे, एक ऐसी पिच जहाँ 200 एक एवरेज स्कोर है, ये PSL में भी देखने को मिला और आजकल की क्रिकेट ट्रेंड में ये एक नॉर्मल स्कोर है ऑन अ गुड बैटिंग पिच। लेकिन वो शुरू से ही उन्होंने कहा कि 180 हमारा टारगेट है। वो उसी स्पीड से खेल रहे थे जैसे वो जनरली सी ग्रेड टीम्स के खिलाफ खेलते हैं, 40 बॉलों पे 50, और उसके बाद आखिरी के 6-7 ओवरों में वो कोशिश करते हैं कि हम कुछ शॉट्स लगाऊं, अगर 60-70 पे आउट हो गए तो कोई बात नहीं, उनकी एवरेज बन जाती है, और अगर वो कंटिन्यू कर गए, कुछ कैचेस छूट गए तो वो 100 कर लेते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली कल ऐसा कुछ हुआ नहीं और 29 बॉल्स पे 37 की इनिंग्स खेल के वो आउट हो गए। उससे भी वाहियात इनिंग्स किसी ने खेली तो वो खेली रिजवान ने, 21 बॉलों पे 20 रन, और ये सब किन बॉलर्स के खिलाफ हो रहा है? जेकब डफी, ऐसे बॉलर जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़्यादा खेला भी नहीं है, ना वो लीग्स में कंसिडर किए जाते हैं, ऐसे बॉलर्स की बात कर रहा हूँ मैं। फोक्स, जकारी फोक्स, ब्रेसवेल, विलियम ओरूर्क, ये सारे बॉलर्स नए हैं, इनके खिलाफ 120 और 100 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की इन्होंने। खैर, इसके बाद शादाब खान ने आके बढ़िया बैटिंग की, 20 बॉलों पे 41 बनाया, और जो फिनिशर के रूप में इरफान खान को ये ट्राई कर रहे थे, मतलब 20 बॉलों पे 30 एज अ फिनिशर, 150 की स्ट्राइक रेट ठीक है, मगर अभी वो यंगस्टर हैं तो प्रोबेबली उन्हें कुछ और मौके देने पड़ेंगे जिसमें कि वो थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं। इफ्तिकार की इतनी बैटिंग नहीं आई, प्रॉब्लम है उस्मान खान UAE से बैन होके आए हैं पाकिस्तान टीम में, तो उनके पास ज़्यादा मौके नहीं है। अगर वो किसी वजह से वर्ल्ड कप की सिलेक्शन तक इसी तरीके की परफॉर्मेंस देते रहते हैं तो हो सकता है उन्हें बाहर कर दिया जाए, फिर ना वो UAE के रहेंगे ना ही पाकिस्तान टीम में, फिर PSL खेलने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। एनीवेज, अब यहाँ मैं आपको फिर से बताता हूँ कि बाबर आजम क्या कर रहे हैं। वो कई बार ये क्लियर कर चुके हैं कि मुझे कन्विंस करना पड़ा था, मैं तो ओपनर हूँ, मैं तो ओपनिंग करना चाहता हूँ। रिजवान भी कह चुके हैं पूरा पाकिस्तान देखना चाहता है कि बाबर रिजवान ओपनिंग करें। साईम अयूब ने इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी PSL में और उनकी स्ट्राइक रेट इतनी हाई थी कि ही फोर्स्ड हिज वे इनटू द ओपनिंग पोजीशन, तो साईम को ओपन कराने के लिए बाबर रिजवान की जोड़ी को तोड़ना पड़ा, मगर यह टूट के सिर्फ 1 और 3 पे आ गए बीच में साईम अयूब। अब उस्मान खान, अगर उनका आप T20 का रिकॉर्ड देखेंगे तो वो टॉप 3 पोजीशन में 160 प्लस की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। PSL में उन्होंने 2 सेंचुरी और 196 बनाया था बैटिंग एट नंबर 3, लेकिन नंबर 4-5 पे उनकी स्ट्राइक रेट 115 है और एवरेज सिर्फ 19 की है। सो ही इज़ अ बैट्समैन हु बैट्स इन द टॉप 3। अब क्या पाकिस्तान के भले के लिए रिजवान को और सेक्रीफाइस करा के नंबर 4 पे पुश किया जा सकता है कि उस्मान नंबर 3 पे खेले, या बाबर आजम को हमेशा की तरह अपनी दोस्ती यारी देखनी है? अब ये तो पता नहीं आगे इसका क्या होगा। आज उन्होंने मोहम्मद आमिर को रेस्ट कराया और अब्बास आफरीदी को खिलाया। शाहीन शाह, आफरीदी, नसीम शाह, इनको रेस्ट नहीं कराया जाता, रेस्ट सिर्फ उसको कराया जाता है जो बाहर से आया, जो बाबर आजम की फ्रेंड सर्किल है, जो उनके करीबी दोस्त हैं, वो हर मैच खेलते हैं, चाहे वो आयरलैंड हो, श्रीलंका हो, जिम्बाब्वे हो, स्कॉटलैंड हो, ये सारे टूर पे जाते हैं और सारे मैच खेलते हैं। आज न्यूजीलैंड की बिल्कुल क्लब टीम ने उनको एम्बेरस किया है। बॉलिंग की बात करते हैं तो शाहीन शाह आफरीदी पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच हुए थे और मैं हर जगह देख रहा था कि पाकिस्तान फैंस बढ़ के इस चीज़ को प्रमोट कर रहे थे, ही इज़ द ईगल, ही इज़ बैक, ही हैज़ प्रूव्ड ही इज़ द नंबर 1। आज उसी ईगल को 3 ओवर 2 बॉलों पे 37 रन पड़े, इंक्लूडिंग एक बहुत ही क्रूशियल स्टेज पे
जब न्यूजीलैंड को 6 ओवर में 61 रन्स चाहिए थे। मार्क चैपमैन थे, मगर दूसरी एंड से फॉक्सक्रॉफ्ट नाम के जो बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे वो रन अ बॉल खेल रहे थे, वो स्ट्रगल कर रहे थे, इज अ न्यू कमर। शाहीन शाह अफरीदी ने उस क्रूशियल जंक्शन पर 1 ओवर में 17 रन दिए। वो हर तरफ बॉलिंग कर रहे थे और हर तरफ उन्हें मार पड़ रही थी। पहले 2 बाउंड्री मार्क चैपमैन ने मारे और फिर वही फॉक्सक्रॉफ्ट जो स्ट्रगल कर रहे थे उसके पहले, उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को स्टैंड्स में एक छक्का मारा और मैच पलट दिया। अगली ओवर उसकी आई जो ग्रेटेस्ट बॉलर है एज पर पाकिस्तान फैंस। बाबर आजम कहते हैं कि वो बुमराह से भी बहुत बढ़िया बॉलर है। उन भाई साहब को 2 छक्के मारे, एक छक्का तो चार्ज करके स्ट्रेट। मुझे नहीं लगता कि जसप्रीत बुमराह को इस तरीके से मार पड़ सकती है कभी। 3 ओवर में 44 दिए नसीम शाह ने, ना जाने कितने कैचेस छोड़े उन्होंने। फील्डिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए पाकिस्तान की, अब्रार ने कैच छोड़ा, उस्मान खान ने कैच छोड़ा, नसीम शाह ने कैच छोड़े। ये जो पाकिस्तान के 2 पेसर्स हैं जिनको पाकिस्तान कहते हैं कि ये बेस्ट बॉलर्स हैं, इनके 6 ओवर में 81 रन्स पड़े। उसके अलावा शादाब खान वगैरह मिडिल ओवर्स में कर रहे थे ज़्यादातर, वो जो न्यूजीलैंड के यंगस्टर हैं वो थोड़ा स्ट्रगल करते नज़र आए, मगर जो मेन पेस बॉलर्स थे इन्होंने ही मैच कॉस्ट कर दिया। अब बाबर आजम से पोस्ट मैच पूछा गया तो बाबर आजम कहते हैं कि 178/4 बहुत बढ़िया टोटल था, हम हारे हैं बॉलिंग की वजह से। अरे सर कैसी बात कर दी आपने, आप 2 ओवर पहले हारे हो 178/4। ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान के 2-3 विकेट जल्दी गिर गए थे और वो रिकवर करके 178 पहुँचे, वो बहुत आराम से अपनी फुल कैपेसिटी में खेले। 9-10 ओवर तक सिर्फ 1 विकेट गिरा था, लेकिन वो इसी स्पीड से खेल रहे थे, तो उनका एम ही था 180 तक पहुँचना और वो उस एम को पूरा कर पाए। और बाद में उनको पता चला कि ये कम है, क्योंकि बाबर और रिजवान ने सहीम अयूब के विकेट गिरने के बाद बहुत आराम से बैटिंग की। बाबर अपनी 50 करने के लिए परेशान थे, रिजवान भी उसी स्पीड में खेल रहे थे। बाद में रिजवान कुछ लेग इंजरी हो गई, वो चले गए, क्रैम्प्स थे या आई डोंट नो व्हाट, मगर 22 बॉलों पे 21 रन, क्या ये जस्टिफाइड है? आज तो ये बिल्कुल वीक टीम थी इन रावलपिंडी। रावलपिंडी इस वक्त वर्ल्ड में शायद बेस्ट बैटिंग ट्रैक है एनीवेयर। हाँ आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि शायद IPL के कुछ पिचेस ऐसे हैं, मगर लीग क्रिकेट को छोड़ दीजिए, इंटरनेशनली आई थिंक रावलपिंडी को रोड पिच कहा जाता है। और उसमें 178/4 मतलब आपके विकेट्स भी नहीं गिरे, आप खेल ही रहे थे 180 बनाने के लिए। और बाबर आजम की इसी नेगेटिव और डिफेंसिव कैप्टेंसी को पहले भी मैंने हाईलाइट किया और कहा है कि ही इज़ अ ग्रीडी कैप्टन, ही थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ हिज फ्रेंड सर्कल। पाकिस्तान क्रिकेट उनकी कैप्टेंसी में काफ़ी पीछे गई थी। ही वॉज़ वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि 2022 में नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुँच गई। इट वॉज नॉट ड्यू टू मेरिट, वो जिम्बाब्वे से हारे थे, वो इंडिया से हारे थे, वो बिल्कुल साउथ अफ्रीका से हारते हारते बचे थे। दे फ्रॉम नोवेयर दे डिजर्व टू प्ले द फाइनल, मगर किस्मत से वो क्वालिफाई कर गए सेमीफाइनल में। उन्होंने अच्छा एक मैच अच्छा खेल के वो फाइनल चले गए और उसी वजह से ये हो गया कि बाबर आजम ने शानदार कैप्टेंसी की, बहुत बढ़िया टीम है, ग्रेटेस्ट टीम है। वो रियलिटी से बहुत दूर है अभी फ़िलहाल। ये बहुत ही बेकार डिसीजन है कि वापस बाबर आजम को कैप्टन बनाया गया है। कैप्टन आई थिंक इनको शाहीन शाह अफरीदी के साथ परसिस्ट करना चाहिए था टिल दिस वर्ल्ड कप, या फिर रिजवान को देखना चाहिए था एज एन कैप्टेंसी ऑप्शन। अब अगले 2 मैच लाहौर में है, रावलपिंडी की 3 मैचेस ख़त्म हो गए। अब एक्सपेक्टेड तो यही है कि पाकिस्तान को ये सीरीज़, वैसे तो 5-0 एक्सपेक्टेड थी, एक वॉश आउट हो गया तो 4-0 एक्सपेक्टेड थी, मगर अब 1-1 हो गया है। अब अगले 2 मैचेस में अगर न्यूजीलैंड गलती से भी एक मैच और जीत के ये सीरीज ड्रॉ भी कर लेती है तो इट वुड बी अ बिग बिग शेम फॉर पाकिस्तान। लास्ट ईयर भी अप्रैल में न्यूजीलैंड ने इसी तरीके की एक टीम भेजी थी जिस टाइम पे विलियमसन को इंजरी हो गई थी IPL में, और पाकिस्तान फैंस सेलिब्रेट कर रहे थे कि अच्छा हुआ पाकिस्तान नहीं आया, इसे इंजरी हो गई, अभी IPL भी नहीं खेल पाएगा। वो पाकिस्तान टीम भी 2-2 सीरीज ड्रॉ कर गई थी इस न्यूजीलैंड की टीम से, और उसमें भी मार्क चैपमैन ने ही रन बनाए थे। तो 1 ईयर लेटर पाकिस्तान इज़ मोर और लेस एट द सेम पोजीशन। अब देखना है कि शायद अगले मैच में मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम वापस आएंगे टीम में, और लेट्स सी। आई थिंक पाकिस्तान जीत जानी चाहिए, मगर दिस 1 लॉस इज़ इनफ
टू गिव देम अ रियलिटी चेक. थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग.